हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फेसबुक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप पढ़े लिखे हो या फिर नहीं हो, फिर भी आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, ये जो प्ले स्टोर का आइकन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी लिखना है। तो फेसबुक आपको सर्च कर लेना है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक लाइट आप सर्च कर सकते हो। फेसबुक लाइट आप सर्च करोगे तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, और अगर आपका मोबाइल कम पावर का है तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, फेसबुक लाइट 1.8 MB का एप्लीकेशन है, मतलब कि साइज इसका कम है। अब यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को, और थोड़ा सा इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओपन करना होगा। अभी ये ओपन हो रहा है, अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में ओपन वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तो अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अलाउ करना होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप इंग्लिश हिंदी जैसे यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। यदि आप दोस्तों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर पढ़े लिखे हो तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं ओनली, तो इंग्लिश में ही अभी हम कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में क्या करना होगा, आप सभी को देख सकते हैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करना होगा यदि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो। ठीक है, और अगर बिल्कुल आप नए हो और अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं था तो आपको क्या करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ये भी समझना चाहते हो कैसे करना है, तो फेसबुक खुद गाइड करता है कि कैसे आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में। ऑडियो को रोकने या दोबारा सुन, अभी हम इसे बंद कर लेते हैं क्योंकि मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है, यहाँ पे मैं न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, यानी कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको अपना एंटर करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे सर नेम, जो लास्ट नेम आपका होता है उसे एंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तभी हम जस्ट पूरा कर लेते हैं प्रोसेस। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अलाउ वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। अभी हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली इसका मतलब होता है जन्म तिथि। ठीक है, आपका जन्म कब हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अभी हम एंटर कर देते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद जस्ट नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हैं व्हाट्स योर जेंडर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है। ठीक है, अगर आप मेल हो फीमेल हो जो भी हैं आप, आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, पासवर्ड थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अ पासवर्ड विथ एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स, इट शुड बी समथिंग दैट अदर्स कुडंट गेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अपने हिसाब से आपको एक पासवर्ड बना लेना है 6 कैरेक्टर का, और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, जो कि आप जब लॉगिन करोगे उस टाइम आपका यहाँ पे मांगा जाएगा। अब दोस्तों चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फिनिशिंग साइनअप, और यहाँ पे जस्ट साइनअप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे टर्न ऑन वाले ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि जो भी आपका फ्रेंड्स हो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाए कॉन्टेक्ट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एड फ्रेंड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और बाकी का यहाँ पे स्किप भी आप कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे फॉलो कर लेना है जिसे भी आप फॉलो करना चाहते हो। फॉलो करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना होगा, किसी भी तरह से स्टोरी पोस्ट अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, स्टोरी अगर पोस्ट करना चाहते हो ऊपर में यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा आपको, और यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और जो भी पोस्ट करना चाहते हो, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप सभी को एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरी जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप स्टोरी ऐड कर सकते हो, और प्रोफाइल में आपको चले जाना है। चाहो तो आप यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग वगैरह जो भी आपको करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रिक्वेस्ट आए हुए हैं। यहाँ ऊपर में जाओगे आप तो देख सकते हैं ग्रुप वगैरह बना सकते हैं, पेजेस बना सकते हो, अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर सकते हो, गेम्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे ऊपर में क्लिक करना है, और अपना यहाँ पे आप प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो। गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर आपको चूज करना है, जो भी प्रोफाइल पिक्चर आप लगाना चाहते हो। देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट फोटो ऑन फेसबुक, या फिर यहाँ पे टेक फोटो, मतलब कि फोटो लेके भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो बेसिकली आप जो भी करना चाहो, अभी मैं इसे स्किप करता हूँ। ठीक है, आगे का प्रोसेस यहाँ पे आपका सिटी का नाम जो भी होगा वो यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे सर्च करके आप यहाँ पे पूरा फिल कर सकते हो, और उसके बाद फिर सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये रहा फेसबुक जो है दोस्तों बन चुका है अपडेटेड। अब यहाँ पे शेयर आप चाहो तो फीड में शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे टाउन वगैरह हो चुका है, आप चाहो तो होम टाउन आपका कौन है, कौन सा सिटी है, टाउन है, तो ये भी चतरा ही है, इसको भी हम स्किप करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन पूछा जा रहा है तो इसे भी हम स्किप करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एजुकेशन वगैरह डाल सकते हो, यूनिवर्सिटी वगैरह यहीं से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप क्या काम करते हो ये चीज़ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो या फिर यहाँ से स्किप भी कर सकते हो। देख सकते हैं एड वर्क में आप जाओगे तो यहाँ से आप डाल सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे स्किप करते हैं। अब यहाँ पे कवर फोटो भी आप डाल सकते हो तो अभी भी इसको भी हम स्किप करते हैं या फिर फोटो आप डाल भी सकते हो, ठीक है। दोस्तों ऑलमोस्ट जो है ये बन चुका है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे डालने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आप प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था फेसबुक अकाउंट बनाने का प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जो लोग फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।